स्वामी आनंदगिरी एक नाम जो अध्यात्म, योग और समाज सेवा के लिए दुनिया भर में लाखों करोड़ों अनुयायियों के बीच जाना जाता है। नमस्कार, मैं विजय और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। महज 12 वर्ष की आयु में अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने वाले आनंदगिरी ने केदार, हिमालय में तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मदमहेश्वर, त्रियोगी नारायण और वासुकी ताल में अध्यात्म, योग और संन्यास को आत्मसात कर एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को निखारा जो आज दुनिया को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। योग, अध्यात्म और चिंतन चैतन्यता की दुनिया से आत्मसात कराने की विधा के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा योगी आनंद गिरी महाराज की। युवा योगी आनंद स्वामी गिरी जी अपने नाम के पर्याय आशीर्वाद के पुनर्जन्म को चरितार्थ कर रहे हैं और आज युवा शक्ति को अच्छी और नेक आदतों के साथ सामाजिक उत्थान की तरफ एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में स्वामी आनंदगिरी का अपना योग परचम विश्व स्तर पर एक नई आभा बिखेरेगा, ऐसा योग संन्यास में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं और स्वामी आनंदगिरी जी महाराज इसको सत्य साबित कर हर चौखट एक अलग सामाजिक निर्माण की चेतना जगाते दिख रहे हैं। स्वामी आनंदगिरी महाराज न सिर्फ संस्कृत व्याकरण, आयुर्वेद और वैदिक दर्शन में पारंगत हैं बल्कि यह एक उत्साही शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली वक्ता के रूप में काम करते रहे हैं। गंगा सेना की सहायता से यह गंगा सेवा अभियान चलाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं जिसका उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखना है। स्वामी जी विभिन्न योग कार्यशालाओं का आयोजन करते रहते हैं जिससे लोग संतुलित और तनाव मुक्त जीवन जी सकें। स्वामी जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुरुकुल की स्थापना की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को वेदांत, संस्कृत और हमारी संस्कृति की अपनी कला को सीखने और उसमें दीक्षित करने का एक नया पैमाना स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने स्वर्ण भूमि प्रयाग नामक एक पुस्तक भी लिखी है जिसकी विमोचना कुंभ मेले में हुई थी।